नमस्कार, सक्षम न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। भारत सरकार की न्यू गाइडलाइन के चलते हुए आज सभी धार्मिक स्थलों को खोला गया है, साथ ही रेस्टोरेंट्स को, होटल्स को, शॉपिंग मॉल्स को खोल दिया गया है। धार्मिक स्थलों की बात करें तो धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को सिर्फ 5 ही लोगों को अंदर प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही प्रवेश के साथ साथ उनकी सैनिटाइजिंग की जाएगी। सैनिटाइजिंग साथ श्रद्धालुओं को किसी भी चीज़ को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वहीं शॉपिंग मॉल की बात की जाए तो शॉपिंग मॉल में भी नियमित थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, सैनिटाइज किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। वहीं पर ही हम बात करें तो मैरिज हॉलों में जहाँ पर मैरिज हॉल के अंदर सिर्फ 30 लोगों को ही इजाज़त दी गई है, जिसमें जो बुज़ुर्ग लोग हैं 65 साल से ऊपर और बच्चे 10 साल से नीचे उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। नियमित रूप से मास्क का प्रयोग किया जाएगा। मॉल के अंदर अगर एंट्री करते हैं तो वहाँ भी मास्क का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही धार्मिक स्थलों पर भी जो मास्क की पूरी व्यवस्था की जाएगी, सभी को मास्क लगाकर अंदर एंट्री करनी पड़ेगी। अब बात करें शॉपिंग मॉल्स की, शॉपिंग मॉल्स में जो अंदर शॉपिंग्स करने के लिए लोग जाएंगे उनकी सब मास्क लगाकर जाएंगे, साथ ही साथ सैनिटाइजिंग होगी, थर्मल स्कैनिंग होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। कैमरामैन नसीम के साथ मैं फहीम अख्तर, बिजनौर।